का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपका सेकंड, और ये CISF का मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, अपनी तैयारी को जांचिएगा, परखिएगा, ठीक है। तो हम आप क्वेश्चन देखते हैं सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट का, CISF का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य जागरूकता बुद्धिमत्ता, यानी कि इससे क्वेश्चन है आपके 25 क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न चिन्ह जो है के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिएगा, ठीक है। तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो डॉट डॉट वाला स्थान दिया गया है क्वेश्चन मार्क, वहाँ आपको चुनना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या है अपना, IQ चेक करिए। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर होगा आपका सेकंड वाला, फर्स्ट का आंसर होगा आपका सेकंड वाला, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब जल्दी से बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए कितने त्रिभुज हैं, चार। कितने त्रिभुज हैं, चार। तो देखिए आंसर कौन सा सही है, सेकंड वाला, ठीक है। दो ऊपर हैं, दो नीचे बन जाएंगे त्रिभुज, सेम लाइन ला के, ठीक है। ये चार बन जाएंगे आपके, तो चार कितने त्रिभुज है इसमें, चार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज लंबी है, तो देखिएगा आप लैंग्वेज। तो देखिए, लैंग्वेज है, एक शब्द को केवल एक समूह को दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में किसी एक दिए गए विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्ग दर्शाए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आवयु एक और आवयु टू, ठीक है। तो 5 से 9 तक इन आवयुओं को अक्षरों को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एम को 32 18 आदि, एम को 32 78 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। पी को 11 11 से 67 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शीट के लिए समूह को पहचानना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट समूह जो है आपका ये दिया गया, अभी जो है, अब इसमें देखिएगा, हाँ, तो अब इसका आंसर देखते हैं, अभी सेकंड में देखते हैं, इसका आंसर चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आंसर चेक करिएगा सेकंड अभी में, सेकंड अभी दे रखा है आपको, अब इसमें आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। चार आकृतियाँ आपके नीचे दी गई हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिएगा जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए जल्दी से चुनिएगा, चार उत्तर आकृतियाँ हैं। हाँ, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टू, राइट राइट आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, फाइव क्वेश्चन। तो ये आकृति कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये आकृति देखिएगा, तो जल्दी से ये क्वेश्चन मार्क वाली आकृति कौन सी पूरा करेगी।
तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये उत्तर आकृति जो है इस वाली आकृति को पूरा कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए आंसर होगा आपका इसका टू, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति दिखाई देगा, जल्दी से बताइएगा 7 क्वेश्चन में। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, सर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज करते हैं। देखिए चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, तो जल्दी से चिन्ह चेंज करिएगा, कौन सा वो होगा चेक करिए। राइट आंसर होगा आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, जल्दी से उत्तर की जांच करिएगा, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आंसर आके देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, तो जल्दी से आंसर टिक करिएगा इसमें। टेन का राइट आंसर होगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो लुप्त अंक जहां क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप राइट आंसर चूज करिएगा, तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा, तो जल्दी से आप आंसर चूज करिए बताइएगा। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, C आएगा इसके स्थान पर। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन को आप फटाफट पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिएगा, तो विषम को चुनिएगा जल्दी से, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका होगा 4, गाजर अनुपात फल। ठीक है, विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, तो देखिए युग्म देखिएगा, विषम संख्या युग्म क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का थर्ड। ठीक है, 18 से 47। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चुनिएगा। देखिए 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, चारों में से एक शब्द चुनना है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों में बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, जल्दी बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा इसका आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट चुनिएगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिएगा, अच्छा बुरा अनुपात समानुपात आना,
अब आने का अनुपात क्या आएगा जल्दी से बताइए। तो देखिए क्या होगा, आने का फर्स्ट, आने का अनुपात क्या होगा, जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। ठीक है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नीचे नहीं बनाया जा सकता है, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, यानी कि राइट आंसर है फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और टिक लगाइए। चार क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिमल तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष पूर्व बिमल की आयु 18 वर्ष थी, 7 वर्ष बाद श्याम की आयु वर्षों में क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। एग्जाम में समय बहुत कम होता है, फास्ट अपनी मेमोरी को चेक करिएगा जल्दी से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपको इंडिकेशन दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, कुछ कथन उनके बाद कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि सामान्य ज्ञान भिन्नता हो सकती है, सभी निष्कर्ष पढ़ें फिर आधारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। तो सभी कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ मेज कलम हैं। तो देखिएगा इसके विकल्प आगे दिए गए हैं निष्कर्ष, तो आपको निष्कर्ष चुनने हैं। तो जल्दी से निष्कर्ष चुन के बताइएगा। देखिए राइट आंसर होगा आपका इसका फर्स्ट, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए चार विकल्प आपके सामने हैं। विशिष्ट कोड भाषा दी गई है, इसको लिखा जाता है FRUG। इस भाषा में ये यानी कि LESS को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इसका आपका फर्स्ट, OHVV। ठीक है, इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है, इनको कोड लैंग्वेज होती है, ये ABCD की कोड लैंग्वेज 26 लेटर्स के, वो आपको कोडिंग वर्ड याद करनी होगी और उससे ये निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में NAIL को ये लिखा जाता है तथा गेम को इतना लिखा जाता है, इस प्रकार भाषा में सेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
तो राइट आंसर होगा इसका आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए अंगणित आ जाता है आपका। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके आगे, ये सामान्य जागरूकता बुद्धिमता। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन गणित के आते हैं, अंगणित के CISF में। तो देखिए जल्दी से चेक करिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 27 का जल्दी से चेक करिएगा। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, यानी कि केवल फर्स्ट कथन ये वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, कथन कौन सा सही है, केवल फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 199 × 201 का मान क्या हो, क्या आएगा। तो देखिए 28 का जल्दी से आंसर चेक करिएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 28 का थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू की घात 13 × 5 की घात 10 के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य हैं, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, उनका योग कितना होगा, जल्दी से अपना आंसर चूज करिएगा, बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 52। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर, 52। तीसरा वाला होगा 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वर्गमूल यानी कि 36 प्लस अंडररूट 81 प्लस अंडररूट 16 सबका अंडररूट है का मान क्या आएगा, तो जल्दी से चूज करिएगा, निकालिए। तो राइट आंसर होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, यदि एम की कार्य क्षमता एल है इतने परसेंट अधिक है, तो उसी कार्य को एम कितने दिन में करेगा, तो जल्दी से निकालिएगा। 32 क्वेश्चन। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 48। देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से पी की कार्यकुशलता यानी कि क्यू से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, जल्दी से चूज करिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा इतने सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है, जल्दी से बताइएगा।
राइट आंसर होगा इसका आपका टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2720 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या है? जल्दी से कैलकुलेशन करिए। चार विकल्प आपके सामने हैं। देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, 20% की छूट देता है, तो फिर वह 40% का लाभ कमाता है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में देखिए 36। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जल्दी निकाल देना आप। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। देखिए राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? जल्दी से बताइए। 38 का तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 21 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 23 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है? 39 का आंसर चेक करिएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर दुकानदार को 50% का लाभ होता है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि चावल को इतने रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है, 10% की हानि होगी, 30% का लाभ प्राप्त कमाने के लिए चावल की कीमत कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड, 104 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या का एक तिहाई 120 है तो उस संख्या का 55% क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका टू। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर इतने बढ़ा दिया जाता है, यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 48 कम है तो वास्तविक संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका इसमें 1200।
एक नाप की गति धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाप की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, अपना IQ चेक करिए फास्ट। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 8.5 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दूर तय करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, इसे तय करने में कुल 14 घंटे का समय लगता है, तो दूसरी किलोमीटर में क्या होगा, जल्दी से बताइए, निकालिए, सोचिए जल्दी फटाफट, फास्ट कैलकुलेशन करिए, अपना IQ चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, हम कितनी स्टडी तैयारी कर रहे हैं। देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ ही रहे हैं। देखिए निर्देश आपके नीचे दिए गए हैं, ये क्वेश्चन के 47 से 50 दिए गए चित्र में 2009 से 16 तक कंपनी की बिक्री करोड़ों में दर्शाया गया है, ठीक है, जैसा आप इंडेक्स देख रहे हैं। तो 47 का आंसर देना उसी के अकॉर्डिंग। देखिए कंपनी को बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, जो डाटा आपने पीछे देख ही लिया है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए डाटा ये है, अब आगे देखिएगा, ये विकल्प है आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करिएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 20% कमी, ठीक है, क्या होगा 20% की कमी, 4 नंबर 4 विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी, जल्दी बताइएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2-3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्टी नाइन। 2009 से 15 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या है, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, ठीक है, 156%। देखिए कितने वर्षों के लिए कंपनी की बिक्री 10 करोड़ का गुणज हो जाएगी, तो देखिए जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 4, ठीक है बच्चों। तो ये आपके CISF के हेड कांस्टेबल के यानी कि सेकंड प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। तो आशा है कि मुझे आपने अपने आप को अच्छे से चेक किया होगा, ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।